कैसी हो आप पहले ये बताओ। हाँ, मैं कैसी हूँ? मैं बहुत अच्छी हूँ। ये पंचायत का जो सीजन 3 है, जी इसकी एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है लोगों में, आपको किस तरह के रिस्पॉन्सेस अभी मिले? एक्साइटमेंट जैसे आपने बोला कि बहुत बढ़ चुकी है, लोग सीज़न 2 से सीज़न 3 के बारे में बात कर रहे हैं बिल्कुल कि कब सीज़न 3 आएगा, कब सीज़न 3 आएगा। एंड लोगों के बीच में एक्साइटमेंट ये है कि रिंकी और अभिषेक की स्टोरी कैसे आगे बढ़ेगी, क्या होएगा, उनकी शादी होएगी। सो दे आर वेरी एक्साइटेड अबाउट रिंकी एंड अभिषेक ऑल्सो। तो हम ये बात करते हैं कि आपको हम रिंकी करके बुलाएं कि आपके असली नाम से, क्योंकि आप रिंकी इतनी पसंद आने लगी लोगों हाँ को। हाँ सो आपको किस तरह का, मतलब लोगों से सुनने को मिलता है कि रिंकी आपने असली नाम से? रिंकी बहुत ही फैमिली नेम बन गया है, तो लोग मुझे अपना दोस्त, अपने फैमिली टाइप का मानते हैं। तो अगर मैं कहीं आती जाती दिख जाती हूँ तो वो ऐसे चलाते, अरे रिंकी। तो बहुत ही फैमिली दोस्त जैसा वो मानते हैं, तो रिंकी इज़ मोर पॉपुलर। लेकिन हाँ, मेरा एक्चुअल नेम सानविका है, तो मैं उससे भी जानना चाहूँगी। बिल्कुल, जो पार्ट 2 तक का सफर था वो तो काफी ज्यादा पसंद आए लोगों को, तो जी, पर पार्ट 3 में क्या इंटरेस्टिंग देखने को मिला? इंटरेस्टिंग, पूरी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब जो नए नए कैरेक्टर्स हैं, जो उनके आर्क्स हैं, बहुत ज़्यादा हंसी आने वाली है आप लोग को। और उसके साथ साथ रिंकी की लव स्टोरी भी आगे बढ़ रही है। जो केमिस्ट्री है सचिव जी की और रिंकी की, वो धीरे 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 बढ़ती जा रही है, तो वो देखने को आपको मज़ा आएगा। ये जिस तरह का शो है काफी रिलेटेबल हो जाता है लोगों से, क्योंकि जो गांव का माहौल आप लोगों ने क्रिएट किया जी था, जिस तरह का स्क्रिप्ट था, तो काफी टच इस स्क्रिप्ट से हो गए लोग। तो आपने जब ये स्क्रिप्ट सुना था, ये तो रिलीज होने के बाद काफी ज्यादा फेमस हो गया, बट जब आपने ये पहली बार सुना तो आपका थॉट प्रोसेस क्या? सीज़न 1 में तो हमें कोई स्क्रिप्ट नहीं मिली थी। सीज़न 2 के टाइम पे जब स्क्रिप्ट मिली थी, तो स्क्रिप्ट जब आप पढ़े थे तो वो पढ़ते वक्त ही बहुत फनी थी। तो आप वो रिलेटेबल कंटेंट, वो आपको लगता है कि हाँ, ये तो मेरे साथ भी होता है, चाहे वो रिंकी की लाइफ में हो, चाहे मम्मी की लाइफ में हो, चाहे किसी और की लाइफ में हो, क्योंकि आपने आसपास की वो दुनिया देखी होती है। तो ऐसा लगता है कि हाँ, कि ये हुआ है आपकी लाइफ में, कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में ये हुआ है। तो वो था, रिलेटेबल था उस वक्त भी, और वो फनी बहुत थी। तो जब फर्स्ट टाइम मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो मैं बहुत हंसी थी, बहुत ज़्यादा हंसी थी। स्पेशली वो जो चप्पल वाली, जो चप्पल चोरी हो जाती है, तो उस पर मुझे बहुत हंसी आई थी। और जब हम रीडिंग भी करने बैठे थे तो सारे एक्टर्स बैठ के, मतलब अपनी लाइंस ले लेके वो हंसते रहते थे। सो इट वॉज़ वेरी फनी ऑन द स्क्रिप्ट लेवल। और जब वो बन के आया तो ऑफकोर्स इट वॉज़ मोर फनी, इट वॉज़ आपने फनी, सॉरी। रियल लाइफ में कुछ फेस किया है जिस तरह से आपने किरदार निभाए, वैसे कुछ? रियल लाइफ में फेस किया है? नहीं, मैंने ऐसा कुछ फेस नहीं किया है, बट मैंने ऑब्जर्व किया है। मेरी सिस्टर है, और ऐसे कैरेक्टर्स मैंने आजू बाजू देखे हुए हैं रिंकी जैसे, जो कि बहुत, क्योंकि लड़कियों को एक ब्रैकेट में रखा जाता है, और स्पेशली जब आप गांव वाँव में जाओ तो उनको उतना एक्सपोजर नहीं मिलता है, वो लड़कों से ज़्यादा बात नहीं करती हैं। तो उनकी जो दुनिया रहती है वो बहुत लिमिटेड लोगों के बीच में रहती है, तो उनके जो बिहेवियर रहते हैं लड़कों के साथ या लड़कियों के साथ, दैट इज़ वेरी डिफरेंट। तो वो कुछ कुछ चीज़ें मैंने अपनी सिस्टर से लेने की कोशिश की है कि हाउ शी रिएक्ट्स, या फिर कुछ कुछ जो मैंने आजू बाजू के लोगों को देखा है, तो सब चीज़ का मिश्रण बना के रिंगी को मैंने प्रेजेंट करने की कोशिश की है, लाइक विथ फुल ऑनेस्टी, जितना मुझसे हो सका। तो किस तरह से ऑब्जर्व करती हो आप लोगों को, और क्या उसमें देखती हो? उनकी साइकोलॉजी, कि वो किस तरीके में सोचते हैं, वो अगर ये रिएक्ट कर रहे हैं तो क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, अगर उनका नेचर ऐसा है, कम बात कर रहे हैं या शर्मा रहे हैं, तो उसके पीछे की बैक स्टोरी क्या है, कि वो ऐसे क्यों हैं। जब आप पसंद आने लगते हो लोगों को, आप काफी लोगों के इंस्पिरेशन भी बन जाते हो। सो जब आपको लोग देखना चाहते हैं, तो आप किस तरह से रिंकी का किरदार जो था आपका, आपने उस चीज को ऑब्जर्व किया था, तो लोग जाना, कोई किस्सा आप सुनाना चाहोगे उससे रिलेटेड? ऐसे किस्से नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। बाकी सारी चीज़ें जो रहती है ना, आप एक कैरेक्टर के लिए नुआंसेस लेते हो, छोटे छोटे, यहाँ से वहाँ से।
लेकिन बाकी जो चीज़ें होती हैं वो आपको स्क्रिप्ट लेवल पे सारी चीज़ें प्रोवाइडेड रहती है। तो जो हमारे राइटर हैं चंदन जी, उनने बहुत अच्छे से इस किरदार को लिखा हुआ है, तो ऐसी कोई डिफ़िकल्टी नहीं आई। और कुछ अगर आपको डिस्कस करना रहता है तो फिर आप राइटर डायरेक्टर दोनों के साथ बैठ के उस कैरेक्टर के बारे में आप डिस्कस कर सकते हो कि यार ये ऐसा कर रही है तो क्यों कर रही है। बॉन्डिंग की बात करें आप एक कोच के साथ, वो किस तरह की थी? बहुत अच्छी, दे आर लाइक फैमिली नाउ। और जो सेट्स पे होते थे मस्ती मजाक, उसके बारे में कुछ, कोई भी कहानी छोटी सी, छोटी सी कहानी। क्योंकि BTS बैंड द सीन जानना लोगों को काफी ज्यादा पसंद है। हाँ, लेकिन मेरी मेमोरी ना इतनी वीक है कि मैं शूट करके आती हूँ और फिर मैं भूल जाती हूँ। तो उस वक्त ओवरऑल फील बता सकती हूँ कि हमारा मूड बड़ा लाइट सा रहता था एंड शूट करने में बड़ा मज़ा आता था। एंड ऐसे BTS मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। क्या क्या बदलाव चेंजेस आपने देखी रिंकी के किरदार निभाने के बाद मतलब खुद में खुद में? नहीं, मतलब रिंकी इज़ डिफरेंट, सानविका इज़ डिफरेंट। तो ऐसे वो परफॉर्म करने के बाद ऐसा कुछ बदलाव मुझ में पर्सनली नहीं आया है। लेकिन हाँ, जब आप कोई भी क्राफ्ट को परफॉर्म करते हो तो धीरे धीरे जब आप सीखने लगते हो तो एक कॉन्फिडेंस लेवल जो रहता है, वो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाता है। तो वो धीरे धीरे वो बढ़ा है। और पंचायत के बाद कुछ लाइफ में चेंजेस? हाँ, बहुत चेंजेस आए, करियर को लेकर चेंजेस आए, मेरे आसपास के लोगों को लेकर चेंजेस आए, जिस तरीके से लोग मुझे देखते हैं अब उस नज़रिया में चेंज आया है। अब काफ़ी रिस्पेक्टफुल हो गए हैं लोग, जो पहले नहीं हुआ करते थे। एंड या और मतलब अभी कैरेक्टर्स वगैरह ऑडिशंस के लिए अच्छे कॉल्स आने लगे हैं। आप कोई भी किरदार जब निभा लेते हो और वो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ जाए तो लोगों की एक्सेप्टेशंस आपके अगले किरदार के लिए काफी ज्यादा बढ़ जाती है, या एब्सोल्युटली हाँ। तो आप उस चीज को अपने आप को किस तरह से प्रिपेयर करते हो? मैं अपने साइड से पूरा 100% देती हूँ कोई भी कैरेक्टर के लिए, लेकिन मैं चाहूँगी कि मुझे कोई और डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स आए। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दोज कैरेक्टर्स कि जहाँ मुझे कुछ डिफरेंट करने मिले। एंड कोई भी कैरेक्टर से जो मार्क बना देती है, जैसे रिंकी, इट विल स्टे इन पीपल्स हार्ट फॉर एवर। तो उसमें से निकलने के लिए डेफिनेटली मुझे काफ़ी मेहनत लगेगी और मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ एकदम डिफरेंट सा किरदार करूँ और पूरे कन्विक्शन के साथ, जिससे लोगों को वो बिलीवेबल लगे। अभी हम बात कर रहे हैं प्रमोशन फिल्म की, सॉरी अभी सीरीज हम के बात कर रहे हैं सीरीज की, तो जी, इसमें इसके जो प्रमोशन चल रहे थे तो लौकी का बहुत ज्यादा योगदान रहा है, यस। तो ये ऐसा क्यों? क्योंकि लौकी हमारी एक सातवीं कैरेक्टर है, वो अलग से हिस्सा नहीं है, वो पंचायत का हिस्सा है, वो पंचायत की कास्ट है, इसलिए लौकी का प्रमोशन हुआ है। तो जिस तरह का सीरीज ये है जी वो मींस काफी ज्यादा पसंद किया गया, तो आप ये कहीं ना कहीं आप ये सोचती हो कि आपने आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो गांव का सीन होता है, जो यूपी बिहार के सीन्स होते हैं, इस तरह की सीरीज ज्यादा पसंद आती है लोगों को बाकी अदर सीरीज से क्योंकि ऑडियंस? कंटेंट वाइज इसलिए क्योंकि लोगों को कनेक्टिविटी फील होती है वहाँ से। जैसे कि इसमें गांव वाला सीन दिखाया है तो अधिकतर लोग जो हैं वो उस चीज़ से रिलेट कर पाते हैं, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो रिलेट कर पाते हैं, और हमने भी मतलब कहीं ना कहीं वो गांव का टच देखा हुआ है। हम नानी के यहाँ, दादी के यहाँ जब जाते हैं तो वो सही चीज़ें देखी हुई है। ऑल्सो वो जो दुनिया बनाई है वो काफ़ी बिलीवेबल दुनिया है, उसमें फ़न है, तो इसलिए लोगों को मज़ा आता है। इस तरह के कंटेंट जब आप हर एज ग्रुप देखते हैं सो वो कितना पॉजिटिव वे से आप लेते हो कि जब ये गांव वाले कंटेंट है वो एक जेंडर हर तरह के लोग देखते हैं, तो उस चीज़ को कितना पॉजिटिव से लेते हो आप? जो ये सीरीज़ है ये सबने देखा है, मतलब छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्गों ने देखा है। तो ये एक माध्यम बना है कि जिससे पूरी फैमिली साथ में आई है और हमारे पास ज़्यादा कंटेंट नहीं है जो हम फैमिली के साथ देख सकते हैं। तो ये वो एक सीरीज़ है जिसने लोगों को जोड़ा है और आगे भी ऐसी जोड़ती रहे और सब साथ में बैठ के मिल के देखें इस सीरीज़ को। तो हमारी यही कोशिश है कि लोगों को हंसाएं और लोगों के चेहरे पे मुस्कान दें। पंचायत की कोई एक सीन या कोई एक चीज जो आपके साथ हमेशा रहेगी, कोई एक याद में? वो टंकी वाला सीन, आई थिंक वो बहुत आइकॉनिक है।
जिस वे में वो शूट हुआ था और जिस वे में रिंकी को दिखाया गया है क्लिफ हैंगर पे, वो बहुत आइकॉनिक है. तो वो सीन मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो टंकी पे बैठ के चाय कौन पीता है यार. तो वो बहुत अच्छी चीज़ है. थैंक यू सो मच, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके. थैंक यू. यू वांट टू से समथिंग फॉर द ऑडियंस अबाउट आप सब? पंचायत सीजन 3 जल्दी आने वाला है, आप लोग अपनी फैमिली के साथ सब मिल बैठ के देखिए एंड इस सीरीज को बहुत सारा प्यार दीजिए. थैंक यू.